पहले संजीव श्रीवास्तव। संजीव, आप इसे कैसे देखते हैं, प्रियंका गांधी को वायनाड से उपचुनाव लड़ाना और राहुल गांधी का रायबरेली रिटेन करना? संजीव, देखिए, जब राहुल गांधी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा उसी समय ये लगने लग गया था कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़के अगर उसको जीतते हैं तो रायबरेली नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि रायबरेली एक किस्म की फैमिली सीट है जहां लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का एक पृष्ठभूमि है वहां पे। अब दूसरी बात, मैं इसको बहुत ज्यादा महीन विश्लेषण में नहीं जाता, मेरे ख्याल से ये एक प्रैक्टिकल बात भी थी मानक। हाँ। कि अगर आपने वायनाड की जनता को एक भरोसा दिया है कि मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और फिर आप रायबरेली से चुनाव जीत के रायबरेली रिटेन कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन देंगे कि मैं नहीं, मेरी बहन, मतलब एक तरह से मैं ही हूं आपका प्रतिनिधि अभी भी, अब ये आ गई है, इनको लड़ाइए। और उससे एक पंत दो काज ये अवश्य हुआ है कि एक, जैसे कहते हैं ना, किसी के डेब्यू का 2004 में 4 जनवरी 2004, मुझे तारीख इसलिए ध्यान है कि मैं पूरे दिन धक्के खाए थे, उस दिन पहली बार प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेके आई थी अमेठी में और उन्होंने सबसे मिलवाया था, इंट्रोड्यूस किया था, एक तरह से इंट्रोडक्टरी विजिट है। तो 2004 से जिस नेत्री का डेब्यू का लोग इंतजार कर रहे हैं एक्टिव, कि उनकी पॉलिटिक्स थोड़ी और ब्रॉड बेस्ड होए रायबरेली अमेठी यूपी से, तो वो भी पर्पस पूरा हो गया, तो डेफिनेटली। और एक बात मैं और ऐसे ही कहना चाहता हूं, क्योंकि 20 साल से लगातार एक किस्सा चलता, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के घंघोर विरोधी हैं, उससे भी ज्यादा कुछ लोग घंघोर विरोधी गांधी परिवार के हैं, मतलब उनको हर चीज में उनकी आलोचना करनी है, हर चीज में एक डायनेस्टी देखनी है, हर चीज में बुराई देखनी है, मतलब सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, उसका विलोम शब्द, उसका विपरीत। तो अब इस चुनाव में ठीक है, राहुल गांधी ने बहुत धक्के खाए, बहुत पापड़ बेले, बहुत हार का सामना करना पड़ा, बहुत ह्यूमिलिएशन भी हुई, बहुत मजाक उपहास भी उड़ाया गया, लेकिन 2024 के चुनाव ने राहुल और प्रियंका को, दोनों को अपने राइट में एस्टैब्लिश कर दिया है भारतीय राजनीति में। और इसमें भी कोई दो शक नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई बहुत डिस्कशन की बात नहीं है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकार राहुल गांधी के पास है, उनकी छोटी बहन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जो भी होगा वो होंगी। तो ये भी क्लैरिटी, एक जब 2004 में सबसे पहले राहुल गांधी लड़ा, उसी दिन से हम 2024 जून में बैठ के उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो भी एक क्लैरिटी शुरू से है पार्टी में, अब वो चाहे किस लेवल पे क्लैरिटी है, फैमिली में क्लैरिटी है, तो ये बातें तय है। तो ये अगेन जस्ट टू सम अप, वायनाड इज अ प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक डिसीजन। एग्जैक्टली संजीव, यही तो सवाल है, संजीव यही सवाल है। देखिए क्या सवाल, देखिए मैं उसको थोड़ा क्वालिफाई करता हूं सवाल को। आप कह रहे हैं महीन विश्लेषण उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, जिस उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ये सब नहीं देख रहे। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल क्या है। सवाल ये है, प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू 20 साल से अवेटेड है, उसका इंतजार किया जा रहा है, कब आएंगी, कहां से लड़ेंगी, यूपी की अध्यक्ष बनी, यूपी की जनरल सेक्रेटरी, मेरे कहने का मतलब इंचार्ज बनी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, पूरे देश में प्रचार किया। लोग ये सोचते हैं क्या वाकई वायनाड से पॉलिटिकल डेब्यू उन्हें करना चाहिए या हमेशा करना चाहिए था, या और कोई सीट ऐसी हो सकती थी जहां से वो जीतकर संसद जाए, जैसे आपने भी कहा ना, ये प्रैग्मेटिक एक स्टेप है, प्रैक्टिकल कदम है ये। मतलब अगर आपके और मेरे घर में भी, मेरे ख्याल से अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती तो ये डिसीजन होता। अब वो 20 साल से क्यों नहीं आई, पहले क्यों नहीं आ गई, अभी इसी समय, लेकिन आज की तारीख में यही बेस्ट पॉसिबल डिसीजन था कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए। अब वो पहले का विगत ये वो, उसमें हम अंतहीन जिसको कहते हैं फटे तक डिबेट कर सकते हैं। ओके, शहजाद को मुझे मौका देना पड़ेगा, शहजाद बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो विलाप कोई नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा मोदी विरोध का विलाप इस देश में चला है। 2001 में जब गए, ये मुख्यमंत्री कैसे चलेगा, फिर मोदी जब वहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री स्थापित हो गए तो ये कैसे वहां पर गुजरात की अर्थव्यवस्था संभालेगा, फिर जब 2013 में केंद्र में आने की बात हुई तो ये प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री बन गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय समाज के साथ कैसे तय कर पाएगा रिलेशन, और वो हो गया तो अब कोलिशन की सरकार कैसे चलेगा। तो संजीव जी, ये विलाप होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार एज ए हेड ऑफ स्टेट चुने गए हैं, पर कुछ लोगों का विलाप
आज तक समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, यह विलाप की परिभाषा है। गांधी परिवार ने कोई विलाप नहीं सहन किया है। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरा इसमें शहजाद संजीव जी, मैंने आपको बोला ही नहीं, मैं आपकी बातों को पकड़ते हुए मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, आप इसको अन्यथा अपनी तरफ ना ले, क्योंकि कुछ लोगों को तीर अपनी तरफ की आदत है। आगे की बात देखे, अभी मोहतरमा मुझे चुनौती दे रही थी, मोहतरमा चुनौती देनी है। अरे भाई दोनों बोल पड़ेंगे तो कैसे होगा? आपको मौका दे रहा हूं, संजीव आपको मौका दे रहा हूं, संजीव अभी मौका दे रहा हूं, एक एक करके वन बाय वन 10 सेकंड में बात अपनी पूरी कर दूंगा। मोहतरमा चुनाव चुनौती देना है ना, तो चलिए रायबरेली में आ जाइए, कर लीजिए वहां पर बायपोल करवा लीजिए, चलिए चुनौती की बात है ना। आप तो उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गई, हम स्ट्रांग हो गए, नहीं सुनिए ना, अब तो अनाउंस अभी तो फिर भी ये चुनौतियां दे रही हैं, तो मैं कह रहा हूं चलिए, अगर हैसियत है कि उत्तर प्रदेश में फिर से उतनी सीटें आएंगी। और आखिरी बात, क्योंकि ये संजीव जी को मैं बोल रहा हूं, संजीव जी भारतीय राजनीति में ये बात सही है कि बहुत सारे परिवार के अलग लोग एक पार्टी में भी उनको मौका मिलता है, ये मैं बात नकारता नहीं हूं, पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, उदयनिधि स्टालिन, उसके फादर स्टालिन, उनके भाई दयानिधि, उनका पूरा परिवार, समाजवादी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, शिवपाल यादव, फिर आ जाइए आरजेडी में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, चंदा यादव, उसके बाद तेजस्वी, तेज प्रताप, ये कोई तो फ्यूडलिज्म का अंक होगा या संजीव बोलिए, पैरामीटर नहीं होगा, बोलिए नहीं पर भी। अब इस पे मैंने कोई पूरे देश की बातों का जवाब देने का थोड़ी ले रखा है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है अगर किसी परिवार के खूब सारे लोग हैं, आइडियली नहीं होने चाहिए, ऐसे भी कई परिवार हैं जिनके लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, दो चार जन नहीं है लेकिन दो पार्टियों में बट गए, तो हर तरह का परिवारवाद है इस देश में, लोग अच्छा। अपनी अपनी समझदारी, अपनी अपनी टाइमिंग के अनुसार। लिमिटेड पॉइंट ये है जो मैं रिपीट करूंगा कि जून 2024 में वायनाड से बेहतर कोई सीट और डिसीजन नहीं हो सकता था। राहुल गांधी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात, शहजाद की एक बात से सहमत हूं मैं, जो शहजाद ने शुरू से कही कि जिस दिन तक वायनाड में पोलिंग नहीं हुई उस दिन तक राहुल गांधी जी ने इस बात का स्पष्ट इशारे चल रहे थे, लेकिन ये घोषणा नहीं हुई कि वो रायबरेली से लड़ेंगे, तो उसके बाद अगर वो प्रियंका की जगह किसी और को भेजते वहां या किसी और का डिसीजन होता तो वो सच में वायनाड की जनता के साथ एक किस्म का मतलब उनको लेट डाउन किया जाता, वो अच्छा। नहीं किया गया, कांग्रेस ने सही फैसला लिया है। ओके अलका लम्बालका क्या कह रही, जल्दी बोलिए। हाँ। मैं बस ये बात कह रही हूँ कि राहुल, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन है इसलिए वायनाड मिल रहा है, ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी जी 20 साल से संगठन के अंदर संघर्ष कर रही है, संगठन को प्राथमिकता दी, उत्तर प्रदेश जैसा सबसे कठिन राज्य चुना और वहां पर मेहनत की, देश भर में हिमाचल और तेलंगाना की सरकार बनने में, महिलाओं के वोट लाने में कांग्रेस के लिए प्रियंका जी का बहुत बड़ा योगदान है। 20 साल बाद वो सांसद पहुंच रही है यहाँ पर, अगर ओके, संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव जल्दी से एक बार के संजीव संजीव बोल संजीव पार्टियां विचारधारा छोड़ देते हैं। अलकल ओके संजीव, संजीव अलकल लाबा की बात से ना इत्तफाकी नहीं, लेकिन ये जो टिकट मिला है प्रियंका गांधी को सिर्फ इसलिए कि वायनाड को ये नहीं लगे कि हमें गांधी परिवार छोड़ गया, exactly. तो मैं उनके कोई अचीवमेंट्स को या पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलिटल नहीं कर रहा, exactly. लेकिन वो एक तरह से वही परिवार अभी भी उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये फैसला उस तर्ज पे लिया। ओके विजय त्रिवेदी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, एक वाक्य जल्दी। मेहनत ऐसी की कि 6% वोट 2% पर ले आई, दो सीट होती थी, एक सीट पर ले आई 2019 में, और अब 10 साल में 9 सीट पाई है कांग्रेस, 9 सीट 2014 में 24 पर आई है, पुराना नतीजा आप याद दिला अच्छा, रहे हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी अपने गिनाने लगे, हम शहीदों का परिवार गिनाने लगे, और मैं अगर 2014 से 24 की बात, 24 के नतीजों पर बहस कर रहे हैं भाई, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गिनाया ना पूरा, ठीक है ओके, मैं ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, मानक जी आपको क्यों बुरा लगता है? मुझे बुरा नहीं लग रहा भाई, मैं कह रहा हूँ 24 पर हम बहस कर रहे हैं, विजय त्रिवेदी आपकी टांग खींच।